वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कशा आसा तुम्ही? तो अब बज चुके 12:30 और मैं अब व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ और सब कुछ लाइट ऑन है। बाहर अंधेरा हुआ है, शायद बारिश होगी। अच्छा लगता है जब इस तरह से अंधेरा होता है ना, बहुत ही अच्छा लगता है। ये देखिए, मैं दिखाती हूँ आज का क्लाइमेट, बहुत ही अच्छा है। ये देखिए अंधेरा हुआ है, अभी इंतज़ार है कब बारिश होगी। ओके, तो घर का ऑलमोस्ट सारा काम हो चुका है आज। ये जो पूरा मैं ना सोफ़ा है ना, सब कुछ क्लीन किया है, मतलब अब इसको उसके ऊपर चादर डालना है, क्लीन किया है। इस काम में ना मेरा टाइम चला जाता है और मुझे ना घर ना साफ़ सुथरा चाहिए। कहीं पर अगर धूल वगैरह हो ना तो मुझको नींद नहीं आती है। तो हर रोज़ रोज़ मैं साफ़ करती रहती हूँ, पोछती रहती हूँ, तो भी अच्छा लगता है। तो इसके लिए ना मेरा टाइम जल्दी चला जाता है। ओके, तो आज कल गए थे हम लोग फिश मार्केट फ़िश लाने, तो किंग फिश लेके आए थे। तो आज सोचा किंग फिश का कुछ अलग एक रेसिपी शेयर करूँ। ओके, तो आज मैं बनाऊँगी किंग फिश कटलेट। जी हाँ, सही सुना आप लोगों ने, किंग फिश कटलेट। बांगड़ा कटलेट तो आप लोगों ने बहुत बार बना के खाई होगी, एक बार ना किंग फिश कटलेट बना के देखिए, आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा। वो तो सिंपल है, ज़्यादा कुछ मेहनत नहीं इसमें। जो भी हम लोग बांगड़ा कटलेट में बनाते हैं ना, सेम उसी तरह से है। तो सोच रहा आज फ्राई ना, तो हर बार करी फ्राई खा खा के ना बोर हो गए, तो सोचा चलो आज कटलेट बनाते हैं। फर्स्ट मैं जब शादी से पहले ना मैं बनाती थी किंग फिश कटलेट, बाद में मैंने बनाया नहीं। तो आज मम्मी ने मुझे याद किया किंग फिश कटलेट बनाओ, क्योंकि पीसीस बहुत है ना, तो कटलेट बनाते हैं। और मम्मी ने ना तीसरी करी बना के रख दिया है, क्लैम्स करी। जैसे कि आपको पता होगा, मैं गोवन गरम मसाला रख के क्लैम्स करी बनाती हूँ। और प्याज को ना गैस पर रख कर मैं फ्राई करती हूँ। ऑलरेडी मैंने ना रेसिपी जो है ना शेयर किया है, उसका जो लिंक है ना मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप चेक करके उस तरीके से ना आप क्लैम्स करी बनाइए, आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा। प्याज को गैस के ऊपर रखकर फ्राई करें, ठीक है, उससे ना बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। ओके, तो चलो मम्मी गई है नहाने और चलते हैं किचन में। मैंने सारी चीज़ें जो है निकाल कर रख दिया है। तो पहले हमें ना किंगफिश को कुक करना है, जिस तरह से हम लोग बांगड़ा कटलेट बनाते हैं ना, उसी तरह से हल्दी नमक और पानी डाल के उसको अभी कुक करना है। ओके, तो करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैंने 5 किंगफिश पीसेस लिया है। ओके, और अभी ना इसको बॉईल करते हैं। तो एक पैन में डालते हैं पानी। आधी छोटी चम्मच मैंने हल्दी पाउडर डाला है यहाँ पे। नमक डालते हैं स्वादानुसार और अब इसमें डालते हैं किंगफिश पीसेस। ओके, तो अभी इसको ना अच्छे से उबाल आते हैं, बॉईल करना है हमें, जब तक जो है ये जो किंगफिश है ना अच्छे से कुक नहीं हो जाते हैं। तो ये देखिए, इसको अच्छे से उबाल आ गया है और ये अच्छे से कुक भी हुआ है। ओके, तो अब गैस की फ्लेम को ऑफ करते हैं और इसको ना एक प्लेट में निकाल लेते हैं। जब ये ठंडा हो जाएगा ना, उसको हम लोग मीट निकाल देंगे। ये देखिए, अब इसको ना साइड में रखते हैं, इसको अभी ठंडा होने देते हैं। तो अब ये ना थोड़ा सा ठंडा हुआ है, गर्म है अभी भी। ओके, तो हमें इस तरह से इसको निकाल देना है। किंगफिश में ना बहुत ही आसानी होती है निकालने में, क्योंकि इसमें कांटे नहीं होते। तो बांगड़ा फिश में ना थोड़े बहुत बारीक बारीक ना कांटे भी होते हैं, तो हमें इस तरह से इसको निकाल। तो ये देखिए, मैंने जो कांटे जो है ना निकाल दिया है। अब इसे ना इस तरह से हाथों से ना हमें इसे मैश करना है, मतलब छोटी छोटी पीसेस करना है। तो ये देखिए, इस तरह से ना हमें इसके बारीक बारीक पीसेस करने हैं। ओके, तो ये अब रेडी है। तो अब करते हैं अगला प्रोसेस। अब पैन में डालते हैं 2 बड़े चम्मच तेल। तो अब इसमें डालते हैं प्याज। यहाँ पे ना मैंने 2 प्याज को ना चॉप कर लिया है और प्याज को ना हमें फ्राई कर लेना है 2 से 3 मिनट के लिए। ज़्यादा ब्राउन ना करें, ओके, हल्का सा इसे भून लेते हैं बस 1-2-3 मिनट के लिए। तो प्याज को ना मैंने 2 से 3 मिनट के लिए जैसे भून लिया है, तो अब इसमें डालते हैं 1 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और इसे ना अच्छे से मिक्स करें और अदरक लहसुन का जो रॉ स्मेल है ना वो कम्प्लीटली चला जाना चाहिए। तब तक हमें इसे फ्राई करना है। फ्लेम को ना यहाँ पे मीडियम में रखिए।
तो अदरक लहसुन का पेस्ट और प्याज को हमने अच्छे से फ्राई कर लिया है। तो अब इसमें डालते हैं ग्रीन चिली, अगर आपको ज़्यादा तीखा पसंद है ना तो आप चिली की क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं। उसके बाद ना मैं चिली पाउडर भी डालने वाली हूँ। ओके, तो मैंने यहाँ पे एक चिली लिया है, बारीक चॉप किया है, और यहाँ पे हमें डालना है एक टमाटर। तब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करते हैं और फ्लेम को लो रखिए, और हमें ना टमाटर सॉफ्ट होने तक हमें इसे कुक करना है। तो टमाटर है ना यहाँ पे हल्का सा सॉफ्ट हुआ है। ओके, तो अब ना इसमें कुछ मसाले डालते हैं। तो यहाँ पे ना मैंने लिया है आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, एक छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर और एक बड़ा चम्मच गरम मसाला इसमें डालते हैं। तो साथ ही में इसमें हम डालते हैं नमक स्वादानुसार। अब इसे अच्छे से मिक्स करते हैं। तो इसे ना हमने अच्छे से मिक्स किया है। अब इसे ढककर ना हमें एक 2 से 3 मिनट के लिए लो फ्लेम पे हमें इसे कुक करना है। तो 3 से 4 मिनट के बाद ना मैं लिड को ओपन कर रही हूँ। फ्लेम को लो रखिए, और अब इसमें डालते हैं ये किंगफिश। अब इसे अच्छे से मिक्स करते हैं। तो इसको ना मैंने अच्छे से मिक्स किया है। तो अब इसमें डालते हैं धनिया, और अब इसमें डालते हैं आधा नींबू का रस। और बाइंडिंग लाने के लिए ना मैं यहाँ पे डालूंगी बेसन। तो यहाँ पे ना मैं 2 बड़े चम्मच बेसन डालूंगी, इससे ना आपको बढ़िया सा एक बाइंडिंग मिलेगा। तो अच्छे से अभी इन सारी चीज़ों को ना अच्छे से मिक्स करते हैं। तो ये देखिए, इसको मैंने अच्छे से मिक्स किया है और ये अभी रेडी है। इसको ना अभी ठंडा होने के लिए रख देते हैं, उसके बाद हम लोग कटलेट बनाते हैं। तो मिक्सचर जो है ना यहाँ पे अच्छे से ठंडा हुआ है। अब इसका कटलेट बनाते हैं। अगर बाइंडिंग कटलेट बनाते वक्त अगर बाइंडिंग अच्छे से नहीं हो रही है ना, तो आप इसमें ना बेसन ऐड कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से। तो साइज आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर आपके बड़े साइज के बनाने हैं, छोटे बनाने हैं, तो आप बना सकते हैं। ओके, ये देखिए। तो मैंने ना यहाँ पे 2 बड़े चम्मच बेसन डाला है, तो ये अच्छे से बाइंडिंग हो रही है। ओके, तो तब तक ना मैं सारे कटलेट बना के रख देती हूँ। दादा क्यों मरे, कल उसका एक दांत गिर गया रात के 12 बजे। ये देखिए, थोड़ा सा नाक दिखता। अरे उस ऊपर आ रहे, तू स्ट्रेट रहो। ये देखिए दांत पड़ ले, लालो माता रहो, चल ना चल। तो मैं यहाँ पे ना किंगफिश फ्राई कर रही हूँ। तो जल्द इसके पापा का फोन आया था कि वो जल्दी आ रहे हैं खाना खाने, तो उसके लिए ना 2 किंगफिश फ्राई किया है और 1 कटलेट फ्राई किया है। तो बाकी सब कटलेट अभी फ्राई करूंगी मैं। ओके, तो वो जल्दी आएंगे खाना खाने के लिए, चल ना चल। तो ये देखिए, इतने सारे कटलेट बन चुके हैं। और यहाँ पे ना मैंने चावल का आटा और रवा लिया है। ओके, दोनों को मिक्स किया है। अब इसको फ्राई करते हैं। तो सेम पैन में फ्राई करूंगी, अभी मैंने फिश फ्राई किया था। तो अब इसके ऊपर डालते हैं तेल। तो अब कटलेट को ना रवा में अच्छे से कोट करें। तो अब इसके ऊपर डालते हैं तेल, और अब इसे ना हमें दोनों साइड ना बढ़िया सा गोल्डन कलर आने तक हमें इसे फ्राई करना है। ओके, तो अब इसे ना पलट देते हैं। ओके, ये देखिए मैंने पलट दिया है। ओके, एक साइड ना अच्छे से ब्राउन हुआ है, देखिए। अभी दूसरे साइड को भी ना हमें अच्छे से फ्राई करना है। तो यहाँ पे देखिए कटलेट रेडी है। ओके, तो इसको ना एक प्लेट में निकाल लेते हैं।
जब ऋतिक के पापा आते हैं ना उसको मैं बैठने के लिए नहीं देती हूँ, जस्ट अभी आए हैं, मैंने बोला चलो कैमरा पकड़ो, कपड़े गाल तू कपड़े गाल। ओके ये देखिए, तो यहाँ पे किंगफिश कटलेट बन के रेडी है। बांगड़े कटलेट खाला चले, किंगफिश कटलेट खाऊं पे यार, एक नहीं दो नहीं चार खाता है, इतना टेस्टी ज्यादा। ओके तब आगे जरूर देखिए ट्राई करें। ओके तो ज्यादातर लोग ना बांगड़ा कटलेट बनाते हैं, किंगफिश का कटलेट कोई भी नहीं बनाता है, पर एक नया ट्राई के लिए ना मैंने इसे ट्राई किया है, हर बार ना हम लोग फ्राई करी बनाते ही है, तो ट्राई बहुत ही अच्छा बना है। ओके इसको एक बार आप जरूर ट्राई करें। तो यहाँ पे देखिए तीसरा जी हुमण कांदो बिंदा बरा भाजून घेतला, खत्म रे। तो ऋतिक पापा बेटे है खाना खाने और बेटा भी बैठा है, तो कड़ोंग ना मशरा पप्पा बेगिना वैता काम। ओके कटलेट खाऊन सांग कशा हलते, फर्स्ट टाइम खाता नहीं तो ऋतिक के पापा ने बोल दिया है तो आपको अभी बनाना पड़ेगा, ट्राई करा ब्लैक था गरम मसाला भी घातला बरा था, थोड़ा काटे बीटे क्या बनाए तो बांगड़ा ना भी काटा निकाला ना उसमें एक दो काटा रहता ही है कटलेट में, बहुत ही टेस्टी बने। ओके तो चलो खाना खाते हैं और आज शाम को हम जाएंगे बर्थडे पार्टी के लिए, आज इनके फ्रेंड का शेल्टर का बर्थडे है, इनवाइट किया है तो शाम को हम लोग चलेंगे। ओके आता नूरे सांचे रे। ओके वो कोई आता खे बड्डे आता आता सांचे आता वितले वितले। ओके ओके तो अब खाना खाते हैं। ओके और थोड़ी देर के बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ। की करता रे बटरफ्लाई स्टिक करता, बटरफ्लाई बटरफ्लाई स्टिक करता, नीत चल निदना निदना रे। तो जस्ट हमारा खाना हो चुका है और कटलेट जो है ना सच में आ जरूर ट्राई करें, बहुत ही टेस्टी बनी है। ऋतिक खा रहा है कटलेट रे, ऋतिक को भी पसंद आया, बहुत ही टेस्टी बना था, तो आप ना एक बार जरूर ट्राई करोगे। तो और ये तीसरे उमर बता लगे टेस्टी तक मम्मी ने देख मम्मी की म्हणता पोय ऐक ऐक कितने खाले कटलेट पोय पांच खाले का कटलेट, तो आप समझ सकते हैं वो कितना टेस्टी होगा, पांच खाले का है बांगड़े कटले करता नहीं दो दराजे और खाए ना हमें, ये ना बहुत ही टेस्टी बना है, पांच खाले का आई मीन चार खाले गिरा पांच खाला दोन खाला ऋतिका। ओके तो अब ना मैं ऋतिक को सुलाती हूँ। ओके तो डायरेक्टली ना मैं आप लोगों को शाम को मिलती हूँ। तो यहाँ पे ना ऋतिक के पापा को मैंने एक बहुत ही बड़ा काम दिया है, इस्त्री मार पाचे इस्त्री बरो मारता सामके परफेक्ट ओय मदी नाका सारके बरो मारता परफेक्ट सामके किदे रे हाँ चल मार। ओके तो जस हम रेडी हो चुके हैं। ओके तो अब निकलते हैं, मोबाइल दी पापा ओके चल हाय हो पे आमचो बर्थडे बॉय नमस्कार नमस्कार कर हैप्पी बर्थडे थैंक यू तो आमचो बिजी देते फोनार तो बिजी फोन आयला होत हाय से हाय से हाय से हाय 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 गेले अरे विश तरी कर फोन मगी बोलय आमचो शेल्टर बाबा तो बर्थडे आहे गेट टुगेदर कर फाइनल केले आम्ही गेट टुगेदर नी फाइनल केले आम्ही एलिसिया Do you happy birthday? Happy birthday, dear shelter. Happy birthday, dear Shelton.
Jyoti Rao. Yes. Thank you. Thank you. बिरयानी चल रिचि यो रिचीक बी ना फक्त खेळपाक जाय आनी काय ना बिरयानी आनी बरें मेळचे अंकल एंड्रिया बाय 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 चल शेल्टन थँक यू शेल्टन किरे टायट झाला काय ना टायट झाला तो सारखा हा बेस्ट ए लोक म्हणतले शेल्टन टायट झाला म्हणतो ना ना बाय 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 अरे देवा ऋत्विक वैता म्हणून अट्टा दिसता ऋत्विक हांगात राव बाय थँक्यू से बाय ना 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 केक घेऊन ये आईस्क्रीम घेऊन येले आम्ही आईस्क्रीम खाऊ ना पोट भरले हंगा पॅक बिर्याणी खाऊन केक आम्ही खाले ऋत्विक खाऊ ना ओके चल बरे थँक्यू हा थँक्यू ओके तर जस्ट हम घर पहुंच गए हैं ओके तो बाहेर पावस पडतात ते मम्मी पोय मम्मी पोय किरे रबर घेऊन येईल तू हेंगे वहां पे रबर से खेल रहा था वो रबर लेके आ गया रबर ना रे हमगे सुबह से बारिश बरं पाऊस पडतो बहुत जोर की बारिश अशी थंड दिसा ओके तो चलिए गाइस आज इस व्लॉग को मैं ही एंड करती हूँ अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर रहे हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय टेक केयर बाय बाय उदक पी हाँ उदक पी तू उदक पी बाय करिए बाय